क्या हुआ आज हमें? जुम्मा मस्जिद पब्लिक ट्रस्ट एरंडोल, इनकी जानिब से जो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, आज उसकी तारीख ऑनरेबल लॉर्ड चीफ जस्टिस आर एम जोशी साहब के कोर्ट में थी। ये मैटर दोपहर में तकरीबन 1 बजे के करीब निकला। इसमें पिटिशनर्स की तरफ से मेरे साथ साथ सीनियर काउंसिल वी डी हॉन सर अपियर हुए। रिस्पोंडेंट नंबर 9 जो है, जो कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट थे, उनके तरफ से भी सीनियर काउंसिल वी जी दीक्षित सर अपियर हुए और मुख्य सरकारी वकील काड़े साहब भी इसमें अपियर हुए। तो रिस्पोंडेंट्स के तरफ से सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिया गया कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उस ऑब्जेक्शन को डील करते हुए हमने कोर्ट को कन्विंस किया कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल है, क्योंकि जो राइट था इतने सालों से, 1927 से मुस्लिम लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे उस मस्जिद में, उसको अचानक कलेक्टर ने जिस तरीके से 11/7/2023 को ऑर्डर पास करके सभी लोगों को रोक दिया, वहां पर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 2 लोगों को सिर्फ परमिशन रखा, वो बेसिकली वो ऑर्डर इलीगल था, ये हमारा कंटेंशन था। इसलिए रिट पिटीशन मेंटेनेबल है ये हमने कोर्ट को बताया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये मैटर को बहुत तफसीली सुना, दोपहर में 3:30 बजे तक इसकी हियरिंग चलते रही। और वो जो ऑब्जेक्शन था रिस्पोंडेंट्स की जानिब से कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इनको अल्टरनेट रेमेडी है, ये अपील कर सकते हैं या रिविज़न कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो कोर्ट ने उनके उस ऑब्जेक्शन को रद्द किया। प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है। और उसके बाद में कोर्ट ने जो इम्प्यून ऑर्डर जिसको हमने चैलेंज किए उसको अच्छे से रीड करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे वो सब देखने के बाद प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। और ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जब अगर कोर्ट कलेक्टर का कोई ओपिनियन नहीं इस ताल्लुक से, तो 144 और 145 सीआरपीसी इन्वोक करने का एक्चुअली उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसा कोर्ट का ओपिनियन हुआ। और इस तरीके से कोर्ट ने वो जो जिस ऑर्डर के खिलाफ में यहाँ रिट पिटीशन फाइल हुई थी वो पूरे ऑर्डर को स्टे कर दिया। और उसी के साथ साथ जो तहसीलदार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल एरंडोल है और कलेक्टर, इन सबको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्होंने फोर्थविथ जो है तो चाबी मस्जिद की ट्रस्टीज के हवाले करना चाहिए। इस तरीके से जो पहले की पोजीशन थी, पहले सभी लोग वहाँ नमाज पढ़ने जा सकते थे, अब वही पोजीशन फिर से रीइंस्टेट हो गई है। और अगली तारीख अभी कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद रखा है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको पूरी कोर्ट ने संधि दिया है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो अपना जो भी रिप्लाई फाइल करना है रिप्लाई फाइल करके फिर नेक्स्ट डेट को फाइनल हियरिंग के लिए मैटर आ सकता है। कलेक्टर के पास जो हियरिंग चल रही है अब, जबकि हाईकोर्ट में मैटर आज था और हाईकोर्ट ने ये प्राइमा फेसी हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर था 11/7/2023 का, वो प्राइमा फेसी कोर्ट को लगा कि इलीगल ऑर्डर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर ने भी जो है तो हाईकोर्ट के ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर का वेट करना चाहिए, क्योंकि यही जो ऑर्डर था हमारा यही बोलना था कि बगैर कोई अपॉर्चुनिटी दिए कि ऑर्डर पास किया हुआ है। तो इस तरीके से अभी जब हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो जो लोअर अथॉरिटीज़ रहती है या जो सबॉर्डिनेट जजेस रहते हैं तो उनका काम है कि हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने तक वेट करना चाहिए।